तो माय न्यू व्लॉग, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में, नए व्लॉग में। और यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 9:30 और यहाँ पे जो मैंने कपड़े सुखाए थे बाहर, मैं अंदर काम कर रही थी, श्रृंगार किया था बच्चों का, उनको नहलाया था, भोग लगाया था, क्योंकि आज हमारी राधा रानी का जो है जन्मदिन है, जिस दिन हमें सेवा मिली थी वो दिन है आज का। और यहाँ पे सारे कपड़े, आंधी आई और बारिश तेज आई, एकदम से सारे कपड़े मेरे नीचे गिर गए थे, यहाँ पे सब उनको निकाला, बच्चों को जंगले के सामने यहाँ पे बैठा दिया है विंडो के सामने, ताकि मौसम का आनंद ले सके। उसके बाद मैंने जो भी दोपहर के लंच के सारे काम कर दिए थे, उसके बाद थोड़ा सा मैं लेट गई थी। उसके बाद यहाँ पे अभी बज रहे हैं 4 और यहाँ पे हस्बैंड लेके आ गए थे, थोड़ा जो ग्रोसरी का सामान है घर का वो लेके आए थे, केक लेके आए थे लाडो के बर्थडे के लिए, और दूसरा यहाँ पे जो ये फ्रोजन मटर होती है वो लेके आए थे, क्योंकि मैंने मटर पनीर बनाना है आज लाडो के लिए, क्योंकि जैसा कि आपको बताया मैंने कि बर्थडे है तो कुछ खास तो बनाना उनके लिए होता ही है, तो मटर पनीर हमारे घर में ज़्यादा चलता है और छोले कम चलते हैं, मटर पनीर के शौकीन सब ज़्यादा है, कितना भी खा लो मन नहीं भरता है। तो यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स हस्बैंड लेके आए थे खुशी के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है काफ़ी टाइम से, उसको वीकनेस हो गई है, तो उसके लिए कुछ बनाऊंगी इनसे। और यहाँ पे कुछ और सामान है ग्रोसरी का, जैसे कि बेसन वगैरह, बूरा और कई सामान आए हैं, उनको सबको मैं डब्बों में डाल के रख दूँगी फिलहाल के लिए। और यहाँ पे कुछ बर्तन दोपहर के जो बच्चे स्कूल से आते हैं ना, उनके टिफ़िन होते हैं, बॉटल्स होती हैं, जो खाना खाते हैं वो होते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं दोपहर के बर्तन, तो पहले वो साफ़ किए थे किचन साफ़ करने के बाद, यहाँ पे अभी शाम के खाने की तैयारी कर दूँगी। और यहाँ पे जो मटर थी फ्रोजन मटर, उनको उबलने के लिए रख दिया पहले से। और खुशी के स्कूल में तैयारी चल रही है टीचर्स डे की, तो वो अपनी क्राफ्टिंग में लगी हुई है, वो बार बार पूछ रही है कि मुझे क्या बनाना चाहिए क्या बनाना चाहिए, तो मैंने बोल दिया, क्योंकि हर बार उसकी मैं हेल्प करती हूँ, इस बार मुझे टाइम नहीं है हेल्प करने का, दिन ऐसा पड़ रहा है आज का, उसे आज करना है क्राफ्टिंग। तो खुशी दूध की बाल्टी से लेके आ गई है, दूध भी गर्म करना बाकी है, दूध में से पनीर निकालूंगी, पनीर सुबह दूध नहीं था, कम था, बस चाय पानी हुई थी, और अभी नहीं जो दूध आया है वो अच्छा खासा है, उसमें से पनीर निकाल लूँगी ताज़ा। यहाँ पे कुछ देर के लिए पनीर को निकाल के फ्रिज में स्टोर कर दूँगी, ताकि वो तब तक जब तक मैं बाकी काम करूँ वो सेट हो जाएगा। और मैं पनीर हमेशा घर पे निकालती हूँ, काफ़ी
उनसे ही हमेशा केक आता है, तो उनको पता है कि गोपाल जी के लिए जा रहा है, तो वो उसमें कोई लापरवाही नहीं करते। तो यहाँ पे फिर हस्बैंड जी ने सबने केक खा लिया, मैंने भी खा लिया, उसके बाद खुला हाथों करके फिर उनके लिए भोग बना दिया है, भगवान जी को भोग लगा दिया था पहले केक का, और उनके लिए अब जो उनके लिए बनाया है खाना उसका भोग लगा दूंगी। मैंने कुछ ने उनको रिझाया था, यह है आज का व्लॉग। राधे राधे।